जी थैंक यू जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊँ। माय नेम इज़ पायल शर्मा एंड माय हाइट इज़ 5'3". इंडस्ट्री में आए मुझे आज 4 साल हो गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगी कि मैंने इंडस्ट्री में जो कुछ सोचा था उससे ज़्यादा ही पा लिया। मैंने शक्तिमान इंस्टीट्यूट से किया था अपना एक्टिंग क्लासेस, वहीं उनके साथ में स्टार्टिंग में रहने लगी थी और सोचा बहुत सारा काम करूँगी बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेमस एक्टर इन शक्तिमान द मुकेश खन्ना। तो उनके बारे में सुना था, उनके साथ रहती थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर मैंने अपने आप ही स्ट्रगल स्टार्ट किया और लोगों से मिली, ऑडिशन दिए, बहुत कुछ पाया। स्टार्टिंग बहुत हार्ड थी मेरी, जैसे कि कहीं कई जगह पे मैं गई, मैंने देखा कि आजकल लोग कमीशन के ऊपर जी रहे हैं। कहीं भी जाओ ऑडिशन के लिए कि हाँ इतना कमीशन हमारा होगा, आपको इतना फीस मिलेगा, इतना पेमेंट हम आपको करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे भी स्टार्टिंग किया। मेरा फर्स्ट सीरियल था ये है मोहब्बतें, मैंने सिर्फ 500 रुपये में किया था और 3 दिन का शूट किया था। देन उसके बाद मेरा एक प्लेटफॉर्म बनता गया, मैंने बहुत सारा काम किया। बालाजी के मैंने अराउंड 18 सीरियल किए एंड स्पेयर्स के भी 2-3 सीरियल किए, फिर बैप सीरीज़ किए, बहुत सारा काम किया, मूवीज़ की, आइटम सॉन्ग्स किए, और अभी हाल ही में मैं दुबई का शूट करके आई हूँ इवेंट शोज़, बालाजी की अल्ट मूवीज़ वगैरह वगैरह। स्ट्रगल बहुत हार्ड किया, जैसे कि स्ट्रगल में आता है, मैंने स्टार्टिंग 1500 रुपये से स्टार्ट की थी। मैं एक BSc हूँ, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे आके तो होता है ना, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सपने, जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं जब आऊँगी बॉम्बे, अरे हमारे तो पैरों में काम होगा, जैसे कि इतनी बड़ी है ना बिग फेमस एक्ट्रेस एंड एक्टर जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए तो देखा, अरे मेरे जैसे तो कितने हैं। तो कंपेरिजन कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, लाइक डिपेंड ऑन हाइट, फिगर, मेंटेन बॉडी लेवल। फिर मैंने स्टार्ट किया कि अरे ये सब तो मेन है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एक्टिंग। अगर इंसान के अंदर कोई एक्टिंग नहीं है ना, तो वो कोई रोल नहीं कर सकता, जैसे कि कोई भी रोल। लेकिन वो भी चीज़ मैंने देखी, एक्टिंग क्लास की, उसके बाद भी मुझे ये पता चला कि एक्टिंग के बाद भी एक चीज़ और आती है, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़। कहीं पर भी जाओ, ऑडिशन दो, फर्स्ट लोग क्या बोलते हैं, नहीं, हाँ ओके, गिव एंड टेक, लाइक तुम ना ऑडिशन दिया अच्छा है, कमीशन देना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता ही है। मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बहुत इतने लोगों से मिली जो शायद से बहुत फेमस भी है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती इस इंडस्ट्री की, कि जब एक्टिंग की कोई वैल्यू नहीं है तो लोग एक्टिंग कर क्यों रहे हैं। हमें खुद के ऊपर अगर बिलीव नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर मन में एक विश्वास है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो हम करके दिखाएंगे। जैसे कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, मेरा बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं था, जो भी मैंने किया अपने आप से किया, और आज मैं इतना काम करके बैठी हूँ कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है, देन यूट्यूब पर अच्छा है, जो भी है मुझे लोग लाइक नाम से जानते हैं, फेस से जानते हैं। आई एम नॉट अ बिग एक्टर, बट सीरियल बहुत की है, मूवी की है, इट्स किन द ड्रेस 1/2 एंड रोल एंड ऑल। स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि मुझे लोगों ने स्टार्टिंग में बोला तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, द फर्स्ट ऑडिशन लिया, उसके बाद मुझे बोला अरे आपका एक्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, वेन विल यू स्टार्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, तो हम आपको मूवी में ले लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी एक्टिंग में ही कमी है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या मेरी एक्टिंग अच्छी हो जाएगी? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब इंसान के अंदर एक्टिंग ही नहीं है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके कैसे आगे बढ़ सकता है? कभी हार मत मानो किसी भी चीज़ से, चाहे वो पढ़ाई हो, या तुम कुछ बनना चाहते हो, या किसी के लिए कुछ करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात जो होती है, हम दूसरों का ना सोच के अपना सोचें। दुनिया क्या कहती है इस इंडस्ट्री में, वही लोग जो आपको बुरा बोलते हैं ना कि अरे वो ये काम करने चले गए, इंडस्ट्री में चले गए, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो ना, वही लोग पता है क्या बोलते हैं, वही लोग बोलते हैं मेरे बच्चे को ले लो, मेरी बुआ की लड़की को ले लो।
और वही लोग फिर आपकी तारीफ करने लग जाते हैं। मेरे फादर का ही ड्रीम था कि मैं एक अच्छी एक्टर बनूं, तो मैंने उनके ड्रीम को फॉलो किया और मैं आगे बढ़ती गई। बिकॉज मेरे सबसे बड़े जो पापा हैं उन्होंने मुझे बैक सपोर्ट किया कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हारे मन में जो है वो करो, बाकी पीछे की मत सोचो। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी पीछे का सोचो ही मत कि क्या होना है, जो तुम करना चाहते हो आगे बढ़ के करते जाओ। अभी तक मुझे बॉलीवुड का एक पता ही नहीं चल रहा है कि बॉलीवुड के ऑडिशन कहाँ होते हैं। शायद से कोई पार्टीज़ में जाते हैं, पार्टीज़ में लिंक बनाते हैं लोग। आजकल नॉर्मल ऑडिशन होते ही नहीं है, सब लोग जगह जगह छोटे छोटे खोके लाइक शॉप खोल के बैठ गए हैं। इधर आओ, इतना बिल पे करो, इतने का कमीशन होगा, ये करेक्टर मिलेगा। करेक्टर भी जब मिल जाता है तो कुछ नहीं मिलता, तुम खड़े रहो, जूनियर आर्टिस्ट का मिल जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई जगह पर मैंने सीरियल किए हैं जहाँ मुझे पेमेंट मिला ही नहीं है। कभी बोलते हैं कि नाम का इशू है, कभी बोलते हैं इनवॉइस नहीं भरी गई है। तो उस जितना कमीशन होता है या जितना पेमेंट होता है उससे ज़्यादा मेरे रिक्शे के, ऑटो के, टैक्सी के पैसे लग जाते हैं। इससे अच्छा सोचती हूँ मैं कि मेन क्या है कि टीवी पर आ गए, चलो पेमेंट का कुछ नहीं। कोई अपना सपना लेके इस इंडस्ट्री में आता है तो उसकी एक्टिंग को देखो, उसको देखो, ये सब मत देखो कि तुम्हारा क्या प्रॉफिट हो रहा है। क्या पता कल को वही तुम्हारा नाम एक इतनी ऊँचाई पर लेके जाए कि आप भी याद रखो कि हाँ इसको मैंने चांस दिया था। कई लोग तो ये सोच कर आते हैं कि हम जाएंगे एक्टिंग करेंगे, दो दिन में मन भर जाता है, वापस चले जाते हैं। लेकिन जो मन से सोच के आते हैं कि हाँ हमें एक्टिंग ही करनी है, तो वो रुक पाते हैं और एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि एस्टैब्लिश हो जाते हैं। एक्टिंग के अलावा मैं मॉडलिंग करती हूँ, रैम शोज़ करती हूँ, इवेंट शो करती हूँ, सिंगिंग अपने घर पर करती हूँ, राइटिंग भी करती हूँ। लीड इंडिया चैनल में जिनके जो ऑनर हैं उनका नाम है रवि सनातन, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे आज मौका दिया है एक अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू जैसे कि इस इंडस्ट्री में जो भी स्ट्रगल करने आते हैं उनको फेमस करने के लिए, मैं चाहूँगी कि आज मुझे जो मौका मिला है वो आप सबको भी मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। मैं चाहूँगी आप लोग भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें अच्छे अच्छे व्यूज़ दीजिए, क्योंकि मुझे भी जो मौका मिला है मैं चाहती हूँ आपको भी मिले। थैंक यू सो मच।